वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने। DSBM का एक टॉपिक फाइनल अकाउंट। फाइनल का मतलब होता है आखिरी या अंतिम। अकाउंट का मतलब खाता, तो खाते के अंतिम या आखिरी। ठीक, तो फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट का क्या स्टेटमेंट है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो फाइनल अकाउंट यानी आखिरी अकाउंट का विवरण। ठीक, तो फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल यानी वित्तीय स्टेटमेंट विवरण विच गिव्स कंप्लीट पूरी तरह से पूर्ण पिक्चर ऑफ बिजनेस एट द एंड अकॉर्डिंग ऑफ पीरियड। ये दर्शाता है यानी पिक्चर मीन्स दर्शाता है पूर्ण कंप्लीट बिजनेस का विवरण। ठीक, एंड एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम में यानी ख़त्म होने पर, एंड होने पर। ठीक, अब टाइप ऑफ फाइनल अकाउंट। तो टाइप ऑफ फाइनल अकाउंट में ये टू प्रकार के होते हैं। नंबर एक इनकम स्टेटमेंट, नंबर दो बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट्स आय का विवरण। ठीक, इसके भी दो भाग होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापारिक खाता, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ एंड हान खाता। ठीक, और तीसरा जो होता है बैलेंस शीट होता है, और ये दूसरा बैलेंस शीट। ठीक, अब ट्रेडिंग अकाउंट को हम डीपली देखते हैं। ठीक, तो ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। ये पार्ट ऑफ यानी भाग है इनकम का, आय का एक भाग होता है जिसमें विवरण यानी स्टेटमेंट में प्रिपेयर्ड तैयार किया जाता है ऑफ द अमाउंट ग्रास। ग्रास मीन्स कुल सेल, ग्रास मीन्स कुल प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, कुल प्रॉफिट एंड कुल लॉस ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में तैयार किया जाता है। ठीक, अब फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हम डायग्राम के हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट का विवरण देखते हैं। तो ये पार्टिकुलर मतलब फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का ये पार्टिकुलर्स है। इसमें दो खाते हैं, अरे चार कॉलम है, एक में पार्टिकुलर अमाउंट, एक में पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक, तो इसमें क्या होता है फॉर्मेट, इसमें ये देखा जाता है कि जैसे टू दी ओपनिंग स्टॉक एसी अकाउंट में, ओपनिंग अकाउंट में जो है एसी क्या हुआ है, तो इसमें देखेंगे हम बाई सेल्स अकाउंट ऑफ कैश। बाई सेल्स में क्या हुआ है, सेल्स क्या हुआ है, इसमें देखें टू परचेजिंग अकाउंट ऑफ कैश पर परचेजिंग, कैश में क्या परचेज किया गया है, क्रेडिट में क्या किया गया है, परचेजेज ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, कुली चार्ज क्या है। और दी इसमें जब हम किसी भी सामान को यानी गुड्स को खरीदते हैं, ठीक, तो उसका सारा खर्चा जो है ये हम एक तरफ दर्शाते हैं, और एक तरफ ये लॉस सीडी है और ये प्रॉफिट सीडी है। तो एक तरफ प्रॉफिट को दर्शाते हैं और एक तरफ लॉस सीडी को दर्शाते हैं। ठीक, इस यही है मेनली इसका। तो इसका जो है चार भाग होते हैं, एक पार्टिकुलर अमाउंट का जो ग्राफ है क्या कहते हैं लॉस सीडी है, और एक प्रॉफिट की सीडी है। आप देख सकते हैं क्लोजिंग, फिर बाई ग्रॉस दी सी डी, ये तो फिर टोटल में बाई ग्रॉस प्रॉफिट बी डी यहाँ पे होगा और यहाँ पे लॉस होगा। तो ये ट्रेड यानी व्यापार करने में हमें ये हेल्प करता है, ये हमारे व्यापारिक खाता है कि क्या हम खरीद रहे हैं, क्या हम बेच रहे हैं। ठीक, और इसमें प्रॉफिट को अलग और ये जो है लॉस को अलग दर्शाते हैं। ठीक, तो ये जो है फॉर्मेट हुआ ट्रेडिंग अकाउंट का। अब फॉर्मेट जो है फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम देखते हैं। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, इसमें देखेंगे हम पार्टिकुलर अमाउंट। इसमें भी एक कॉलम में नेट प्रॉफिट सीडी और लॉस सीडी। ठीक, नेट लॉस सीडी, तो प्रॉफिट जो हुई है हम देखते हैं, जैसे कि हमारा ग्रॉस लॉस बीडी, टू ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस की खर्चा, टू सैलरी वेज, और ये जो है रेंट टैक्स एंड पोस्टेज ऑफ द टेलीफोन, प्रिंटिंग प्रिंटर एंड स्टेनरी, सेलिंग एक्सपेंस, कमीशन सेल्समैन, और फाइनेंशियल एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लीगल चार्ज अमाउंट, ये सब दर्शाते हैं। ठीक, और इसमें जो है लॉस में आप देखेंगे फिर इसका कुल योग कर देते हैं, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, बाई कमीशन प्रॉफिट और रिसीव रेंट रिसीव, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाते हैं। तो ये जो है अब इसका जो है डिफिनेशन देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट
ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस्ट अमाउंट क्या होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इनकम, ये भी इनकम का एक पार्ट होता है, ठीक, ये भी एक आय का पार्ट होता है, भाग होता है, और स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन नो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, इसका स्टेटमेंट असल में जो प्रॉफिट है, असल में जो नुकसान है वो उससे होता है, ठीक, ड्यूरिंग पार्टिकुलर टाइम एंड पीरियड, ये डिफिनेशन आप इसको भी दे सकते हैं। तो अब फॉर्मेट तो मैं बता ही चुका हूँ, अब बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट का मतलब होता है वित्तीय स्थिति विवरण, वित्तीय स्थिति विवरण, ठीक, ए बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑन द गिवन डेट, ये दर्शाता है हमें वित्तीय स्थिति का विवरण कि ये स्टेटमेंट की फाइनेंशियल पोजिशन यानी हमारे आर्थिक जो पोजीशन है बिजनेस का वो गिवन आप डेट में क्या है वो दिखाता है, ठीक, या दूसरी डिफिनेशन और करके लिख सकते हैं, ए बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ असिस्ट इन लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑन द पर्टिकुलर डेट, ठीक, ये एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मतलब ऋण जो हमारी क्या है और संपत्ति क्या है, असिस्ट और लायबिलिटी जो है ए पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, ठीक। मैंने बहुत पहले बताया था आपको असिस्ट वो प्रॉपर्टी होती है जिसका लाभ यानी कि जिसकी बेनिफिट हम भविष्य में ले सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हुआ, बिल्डिंग और इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें जो हमें फिक्स और या फिर फिक्स हो या फिर करंट असिस्ट हो या फिर लिक्विड असिस्ट हो, ठीक। तो असिस्ट इज ए प्रॉपर्टी एवरी डिस्क्रिप्शन ऑनर बाई बिजनेस, जो ऑनर ने यानी कि मालिक ने जो डिस्क्रिप्शन किया है बिजनेस में उसी को हम असिस्ट बोलते हैं, और ये इसमें फिक्स असिस्ट यानी फिक्स असिस्ट क्या होते हैं, स्थिर पूंजी, ठीक, जैसे कि दे आर पेमेंट असिस्ट इन द लॉन्ग टर्म असिस्ट ऑफ बिजनेस, जैसे कि लैंड यानी भूम हुआ, बिल्डिंग हुआ, प्लांट हुआ, मशीनरी और ये इक्विपमेंट हुए और फर्नीचर हुए, ये जो क्या है हमारे फिक्स असिस्ट है, ठीक। अब करंट असिस्ट जिसको हम फ्लोटिंग असिस्ट भी बोल सकते हैं, फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है अस्पष्ट जी, वो क्या कहते हैं इसमें जो है वो क्या कहते हैं प्रचलित प्रवाह, इसको बोलते हैं करंट असिस्ट को, ठीक। और प्रवाह संपत्ति या फिर हम फ्लोटिंग मतलब तैरना होता है, फ्लोटिंग असिस्ट कह सकते हैं, दे आर दी असिस्ट विच हैविंग डिफिनिट लाइफ वन टू थ्री ईयर के लिए होती है, ठीक। करंट असिस्ट इज इंक्लूड कैश एंड अदर असिस्ट द इजली कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम यूजली ए ईयर, जैसे कि बैंक डिपॉजिट होती है और इन्वेस्टमेंट जो निवेश हम कर रहे हैं ये जो है प्रचलित प्रवाह है, ठीक। या लिक्विड तीसरा जो होता है ये जो है लिक्विड ये लिक्विड असिस्ट, तो लिक्विड असिस्ट जो है दे आर प्रॉपर्टी विच दी कंज्यूम एट एनी टाइम, इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं एनी टाइम, इसको लिक्विड से तरल आप वैसे समझ सकते हैं, जैसे कैश एंड हैंड का कैश, ठीक, कैश बुक्स, टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट जो टेम्पोररी हम निवेश कर रहे हैं, और डिबेटर जो होते हैं सेंडरली डिबेटर, ठीक। तो ये असिस्ट के प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, आप सिंपल सा डिफिनेशन लिख सकते हैं। और चार नंबर में आप लिखेंगे ये फैसिलिटेटेड ऑफ इंट्रा असिस्ट, दे आर बी मेजर ऑफ डायरेक्टली कैन बी नेदर टच नॉर सीन, हैंस ऑफ कॉल इंट्रा ग्रेवली असिस्ट, जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए जो हम असिस्ट खर्च करते हैं, या कॉपीराइट पेटेंट गुडविल के लिए, ये सब सारी चीज़ें जो है काल्पनिक या फर्जी जो है, ठीक, इसको हम बोल सकते हैं, या फिर अमूर्त बोल सकते हैं। और ट्रेंगरेबल असिस्ट, द असिस्ट विच द टचेज इन द सीन ऑफ द कॉल्ड ट्रेंगरेबल असिस्ट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब जिसको हम टच कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हाँ ये पूंजी है। अब लायबिलिटी की बात करते हैं, अंतिम टॉपिक पे जाते हैं। तो लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी आर द डेबिट ऑफ द बिजनेस, हमने आपको बताया था कोई भी कंपनी या फर्म डूब रहा है तो लायबिलिटी जो दायित्व जिनका दायित्व है वो सबसे पहले अगर कंपनी को जब बेचेंगे तो सबसे पहले वो जो है लायबिलिटी को देंगे,
क्योंकि उनका दायित्व है, वो जो जिसको चाहेंगे वो अपनी लाइबिलिटी दिए हैं ना, तो उनका जो दायित्व है वो सबको उस तरह से पैसे देते हैं। तो इसमें जो है ये भी तीन प्रकार के होते हैं, एक फिक्स लाइबिलिटी, एक करंट लाइबिलिटी और एक कॉन्ट्रीगेंट लाइबिलिटी। तो फिक्स लाइबिलिटी, दीज आर सूड पीरियड ओवर लॉन्ग ऑफ द पीरियड, ठीक, जैसे लॉन्ग टर्म लॉन्ग लोन या कैपिटल लॉन्ग पूंजी, ठीक, इसको हम फिक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। और करंट लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी वाले लोग भी अपना पूंजी जब लगाते हैं तो उनका लाइबिलिटी होती है, इनका भी दायित्व होता है कि ये कैसे कैसे देखें, और जब कंपनी डूबती है तो सबसे पहले पैसा इन्हीं को मिलता है। करंट लाइबिलिटी, दीज आर पेरेबल ऑफ पीरियड इन दी वन ईयर, वन ईयर के लिए ये होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स, इसमें शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, छोटे लोन होते हैं, ओवरड्राफ्ट बिल्स होते हैं, पेरेबल ऑफ क्रेडिटर, ठीक। और कॉन्ट्रीगेंट लाइबिलिटी, दीज आर लाइबिलिटी प्रेजेंट बट ऑफ द फ्यूचर, इसमें फ्यूचर में होते हैं, जैसे लाइक लीगल पेनाल्टीज, वंडर वर्कर कंप्लेंस कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जैसे पेनाल्टी पड़ गया या वर्कर का कॉम्प्लिकेशन है, ये सब जो है इसमें देखा जाता है। तो ये पूरे टॉपिक हमारा कवर हो गया। और लाइबिलिटी का जो है हम फॉर्मेट देखते हैं, बैलेंस शीट, इसमें क्या होती है, लाइबिलिटी अमाउंट होता है, यहाँ असिस्ट अमाउंट होता है। तो लाइबिलिटी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म का आप इंटर्नशिप कैपिटल पूंजी या दिखा के यहाँ टोटल करते हैं, और इसमें फिक्स में जैसे लैंड भूम या बिल्डिंग मशीन फर्नीचर ये सब करके यहाँ उसको कैलकुलेट करके पूरा जोड़ के यहाँ रखते हैं, ठीक। ओके, थैंक्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।